अमेरिकन शो द बिग बैंग थ्योरी में हुआ माधुरी दीक्षित का अपमान, भड़के बॉलीवुड सितारे। हॉलीवुड के पॉपुलर शो द बिग बैंग थ्योरी पर एक सीन पर घमासान छिड़ गया है। इसके एक एपिसोड में ऐश्वर्या राय और माधुरी दीक्षित की बेहद ही भद्दी तुलना की गई है। बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित देश की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस में से एक है, यही नहीं विदेश की ऑल टाइम सक्सेसफुल एक्ट्रेस की लिस्ट में भी शामिल है। फैंस उन्हें काफी पसंद करते हैं और उनको लेकर फैंस की दीवानगी बेहद खास थी है। माधुरी दीक्षित को बॉलीवुड की धक धक गर्ल कहा जाता है। वो माधुरी दीक्षित जिन्हें लोग दिलों जान से प्यार करते हैं, उन पर ऐसे कमेंट ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया है। इसे लेकर नेटफ्लिक्स को नोटिस भी जारी किया जा चुका है। इस पूरे मामले पर जया बच्चन, उर्मिला मातोंडकर ने भी अपनी राय दी है। भद्दे कमेंट्स करने वाले एक्टर कुणाल नायर पर जया जमकर भड़की हैं। वहीं उन्होंने पागलखाने भेजने की बात भी कह दी है। जया ने कहा, क्या ये आदमी कुणाल नायर पागल है? बड़ी गंदी जुबान है, उसे तो पागलखाने भेज देना चाहिए। ये सवाल तो उसकी फैमिली से पूछना चाहिए कि उन्हें कैसा लगता है इस कमेंट पर। वहीं उर्मिला मातोंडकर को एक्टर के इस बेतुके कमेंट पर गहरा शॉक लगा है। एक्ट्रेस ने कहा, ये कैसा बेतुका कमेंट है, मुझे इस पूरे एपिसोड का कोई आइडिया नहीं है तो मुझे कोई कमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर ये सच है तो सच में बहुत भड़काऊ है। ये उनकी चीप मेंटेलिटी को दिखाता है, उन्हें ये सच में मजाकिया लगता है, ये हैरानी की बात है। दरअसल इस शो के सेकंड सीजन के पहले एपिसोड में जिम पार्सन्स, जो शेल्डन कपूर के रोल में हैं, वो माधुरी और ऐश्वर्या का कंपैरिजन करते हैं। डायलॉग देते हुए जिम कहते हैं, ऐश्वर्या गरीबों की माधुरी दीक्षित है। इसके बाद राज कुथरापल्ली का किरदार निभा रहे कुणाल नायर ने कहा, ऐश्वर्या राय देवी की तरह थी और उनकी तुलना में माधुरी दीक्षित लेप्रस प्रोस्टिट्यूट है। माधुरी के लिए इस्तेमाल किए गए इस तरह के कमेंट्स पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है।